एक इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है लास्ट, ये कैपेसिटी और ऑटोनॉमी का। इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एक सारी चीज हो सकती है, हाई ऑटोनॉमी और लो ऑटोनॉमी, हाई कैपेसिटी और लो कैपेसिटी। इसका एक क्वाड्रेंट इस तरीके से बन जाता है। हाई ऑटोनॉमी का मतलब आपको बताया कि जो भी पॉलिसीज एक गवर्नमेंट ने बनानी है बिना किसी दबाव के बना रही है, आंतरिक दबाव कोई नहीं है, बाहरी दबाव कोई नहीं है, जो पॉलिसी वो बनाना चाहती है बना रही है। और हाई कैपेसिटी का क्या मतलब है कि उस गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो जनता के लिए बेसिक पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करा सकती है अप टू देयर सेटिस्फेक्शन। जनता पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो सकती है कि अच्छा जो चीजें हमारे को रोटी कपड़ा और मकान बिजली पानी सड़क सब जो चाहिए सब मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो दिस इज हाई कैपेसिटी स्टेट। अब एक स्टेट ऐसी हो सकती है जिसके पास हाई ऑटोनॉमी है और हाई कैपेसिटी है, तो क्या होगा, वो स्टेट प्रोग्रेस तो बहुत करेगी लेकिन खतरा क्या है, खतरा क्या है कि डेमोक्रेसी वहां पर सफर कर सकती है। चाइना एग्जांपल है, हाई ऑटोनॉमी है पर लो कैपेसिटी है, अपनी मनमर्जी गवर्नमेंट कर सकती है लेकिन गवर्नमेंट के पास एडिक्वेट रिसोर्सेज ही नहीं है, गवर्नमेंट के पास एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी भी नहीं है, वहां पर इतनी एक्सपर्टीज नहीं है, इतना पैसा नहीं है, वेल्थ कम है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि समय के साथ साथ जनता के अंदर डिसकंटेंट या असंतोष पैदा हो सकता है, यार ये पूरी ऑटोनॉमी है इसको सब कुछ करने की बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा, हमारी लाइफ को कोई उसमें चेंज नहीं आ रहा, हमारे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रही। इसका उदाहरण है रशिया। रशिया में हाई ऑटोनॉमी है लेकिन लो कैपेसिटी है। ये आगे लो ऑटोनॉमी और हाई कैपेसिटी। हाई कैपेसिटी का मतलब है कि ये अपनी जनता को सब कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं, करवा सकते हैं। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें कैपेसिटी बहुत हाई है लेकिन उस हाई कैपेसिटी की वजह से भी और उनकी जो ट्रेडिशन रही है उसकी वजह से भी ऑटोनॉमी लो हो जाती है, यूएसए कनाडा। इसीलिए इंडिविजुअल फ्रीडम की बहुत इंपॉर्टेंस है। प्रॉब्लम क्या इसमें आ जाती है कि अगर सरकार में कोई चेंज करना है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब बच गया चौथा खाना, इसमें क्या है कि लो कैपेसिटी लो ऑटोनॉमी, ना तो वो अपने मर्जी से कुछ कर सकती है, सरकार मोहताज है, और ना उसके पास जनता को सेटिस्फाई करने के लिए, जनता का वेलफेयर करने के लिए अलग अलग कुछ है। ये आ गया पाकिस्तान, क्योंकि स्टेट के इंस्टीट्यूशंस कभी डेवलप ही नहीं हो पाए। ऐसी स्टेट में खतरा क्या है, फेल होने का। इनको कहते हैं फेल्ड स्टेट्स। जैसे अफगानिस्तान है, वो स्टेट ही फेल हो गई, स्टेट है लेकिन फेल है, कुछ नहीं कर सकते।